तो अब हम यहाँ पर थर्ड क्वेश्चन को सॉल्व आउट करेंगे। ये थर्ड वाला क्वेश्चन भी उन दो क्वेश्चंस पर डिपेंड है जो हम प्रीवियस लेक्चर में निकाल चुके थे। तो मैं आपसे कहना चाहूँगा, आप सबसे पहले एक नोटबुक ले लें और इस क्वेश्चन को नोट करें और सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व आउट करने की कोशिश करें। अगर आपका आंसर सही निकलता है और आपको यह चेक करना है तो फिर आप इस वीडियो को बाद में देखें, जिससे कि आपको पता चल जाएगा कि हाँ, आपकी अप्रोच अब इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए तैयार है। ओके, तो चलिए ज़्यादा ना समय गवाते हुए इस थर्ड क्वेश्चन को अब हम सॉल्व करते हैं। ध्यान से समझें। ए वैक कंटेन 5 रेड बॉल एंड 4 ग्रीन बॉल्स। फॉर बॉल्स आर ड्रॉन एट अ रैंडम, देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट 2 बॉल्स आर ऑफ द रेड एंड 2 ग्रीन बॉल्स। मतलब क्या है इस क्वेश्चन का? देखिए, यहाँ पर एक बैग है और उस बैग में 5 रेड बॉल रखी हुई हैं और 4 ग्रीन बॉल रखी हुई हैं। चलिए मैं इसे आपको डायग्रामेटिकली बताता हूँ। ओके, ये आपका सपोज मान के चलिए एक क्या है, ओके, ये आपका एक बैग है मान लीजिए, ठीक है। क्या है बेटा? ये बैग, ठीक है, ये आपका हो गया एक बैग। अब इसमें आपकी 5 रेड बॉल रखी हैं, ओके, 1, 2, 3, 4, 5, ठीक, और आपकी 4 ग्रीन बॉल रखी हैं। अभी मैं इसका सिंबल भी बना दूंगा, 4 ग्रीन बॉल। अब देखिए, मैंने इस तरीके से जो इसको फिल कर रहा हूँ, इसको आप ग्रीन मान के चलिएगा, ठीक है, ओके, ओके। तो ये आपकी ग्रीन बॉल मान के चलिए। कौन सी बॉल है आपकी? ग्रीन, ओके, ग्रीन बॉल्स। और ये आपकी बेटा कौन सी बॉल है? आपकी ये रेड बॉल्स, रेड बॉल्स, ओके। तो आपकी जो रेड बॉल्स हैं उनकी संख्या कितनी है आपकी? 5, और जबकि इनकी है आपकी 4, ठीक। अब देखिए, यहाँ पर टोटल बॉल अब कितनी हो रही है? टोटल बॉल जो है यहाँ पे, टोटल बॉल जो है आपकी 9 है, 9 है, बिल्कुल है। अब चलिए आगे थोड़ा सा पढ़ते हैं। अब ये देखिए, रैंडमली क्या की जा रही है? ड्रॉ की जा रही है, लेकिन कैसे? फाइंड द प्रोबेबिलिटी, हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है जब 2 बॉल्स आर ऑफ द रेड एंड 2 ग्रीन बॉल्स, यानी कि 2 आपकी रेड बॉल को सेलेक्ट किया जाएगा 4 में से और आपकी 2 ग्रीन बॉल को सेलेक्ट किया जाएगा, ठीक है, इसमें से। अब देखिए, यहाँ पर जो आपकी रेड बॉल है वो कितनी है बेटा? 5। तो सबसे पहले तो आपकी 5 रेड बॉल है, उसके लिए लिखते हैं हम, ठीक है, रेड बॉल के लिए, रेड बॉल्स। तो रेड बॉल्स के लिए जो यहाँ पे कॉम्बिनेशन बनेगा वो क्या बनेगा आपका? देखिए, आपके पास 5 रेड बॉल हैं, ध्यान से समझना। अब उनमें से 2 बॉल जो है रैंडमली सेलेक्ट की जा रही हैं, यानी कि ड्रॉ की जा रही हैं सेलेक्ट करके, ठीक है। लेकिन हमें ये नहीं पता इन 5 बॉल में से कौन सी बॉल ड्रॉ की जाएगी, तो इसलिए हमें यहाँ पे क्या बनाना पड़ेगा? सेलेक्शन यानी कि कॉम्बिनेशन, ठीक है। तो यहाँ पे आपकी टोटल 5 रेड बॉल हैं, बिल्कुल 2 बॉल सेलेक्ट की जा रही हैं, ठीक है। यानी कि सिंपली सॉल्व कर लीजिए, 5 इंटू आपका 4 अपॉन 2 इंटू 1, ओके, 2 से आपका ये कट गया 2 टाइम, यानी कि 5 इंटू 2 इजकल टू आपका हो गया यहाँ पे 10। यानी कि आपके पास 10 वेज होंगे आपके कॉम्बिनेशन बनाने के लिए, ठीक है। इसे इक्वेशन नंबर में फर्स्ट दे देता हूँ। अगर आपने यहाँ पे कॉम्बिनेशन को पढ़ रखा है तो आई थिंक आपको इजीली समझ में आ रही होगी ये बात कि मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, ठीक है। आपको डायरेक्टली ये चीज़ें नहीं आएंगी समझ में। अब देखिए, सेकंड हम निकालते हैं ग्रीन बॉल के लिए, ग्रीन बॉल्स। अब देखिए, ऐसी इसी प्रकार हमने जब ये निकाला 5C2 का साइज, तो इसी प्रकार यहाँ पे आपकी 4 बॉलें दे रखी हैं, 4 बॉल, उसमें से भी 2 बॉल जो है रेंडमली आपकी क्या की जा रही है? ड्रॉ की जा रही है, यानी कि सेलेक्ट की जा रही है, सेलेक्ट की जा रही है, यानी कि कॉम्बिनेशन बनाया जा रहा है उनका भी। तो आप यहाँ पे क्या करते हो? 4C2, ठीक है। तो यानी कि 4 × 3 × 2, 2 से आपका 4 कैंसिल हो गया 2 टाइम, 2 × 3 इक्वल टू आपका हो गया 6। यहाँ पर आपके 6 वेज होंगे सेकेंड इक्वेशन में, ओके। अब जब आपके सेकेंड इक्वेशन में 6 वेज हैं, ठीक है, यानी कि कॉम्बिनेशन बनाने के लिए, जहाँ पर रेंडमली 2 बॉल्स ड्रॉ की जा रही हैं आपकी 4 में से। लेकिन स्टूडेंट, यहाँ पे एक प्रॉब्लम आ रही है। अब वो प्रॉब्लम क्या है? यहाँ पे हमारा टोटल सॉल्व नहीं हुआ। अब देखिए, एक वैक के अंदर ही तो रखी है आपकी रेड बॉल एंड ग्रीन बॉल, ठीक है। तो यहाँ पे 2 बॉल क्या की जा रही हैं? सेलेक्ट की जा रही है एक कॉम्बिनेशन बनाने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे एंड की कंडीशन आ जाएगी, रेड एंड
ग्रीन, जब आपकी रेड की कंडीशन आती है तो आप सबको पता होगा, अगर आपने काउंटिंग प्रिंसिपल परमुटेशन में सीख रखा है तो वहाँ पे हो जाता है मल्टीप्लाई, ठीक है। तो इन दोनों का रेड एंड ग्रीन का कर देंगे मल्टीप्लाई। तो नाउ मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड शुड बी गेट। तो हम क्या यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे बेटा, यहाँ पे फर्स्ट एंड सेकंड का यहाँ पे कर देंगे मल्टीप्लाई, यानी कि 10 × 6 इक्वल टू आपका 60। ओके, यानी कि आपके पास टोटल कितने वे होंगे, 60 वेज। अब आप यहाँ पे ये सोच रहे होंगे कि मैं यहाँ पे 60 वेज ही यहाँ पे मल्टीप्लाई क्यों कर रहा हूँ, ठीक है, एंड की कंडीशन इसलिए मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। लेकिन एंड की कंडीशन से तो मल्टीप्लाई क्यों करते हैं, तो आपको ये चीज़ें मैंने उसमें काउंटिंग प्रिंसिपल में बता रखी हैं, लेकिन चलिए यहाँ पे भी मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए, आपके पास 10 वेज निकले पहले, तो 10, ठीक है, तो जैसे कि 1, 2, 3, 4, 5, 10। ओके, अब देखिए, और यहाँ पे आपके 6 निकले, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 निकले ना। अब देखिए, चाहे तो आप इस तरफ से ले लिए, चाहे इस तरफ से ले लिए, देखिए हो सकता है इन 6 बॉल में से कोई सी भी बॉल सेलेक्ट की जाए तो एक कॉम्बिनेशन के साथ जाएगी, तो आपके 10 हो गए। इसी प्रकार आपकी फिर से 6 बॉलें हो सकती हैं कि दूसरे कॉम्बिनेशन के साथ में जाए, या तो आपके 20 हो गए नेक्स्ट टाइम बढ़ के, ठीक है, मतलब इंक्रीमेंट होता जाएगा, तो आपका 60 तक पहुंच जाएगा। चाहे आप ऐसा कर लीजिए, 10 का 1 में मल्टीप्लाई करते चलिए, ठीक है, फिर 1 में, तो आपका सेलेक्ट इंक्रीमेंट होता जाता है, ठीक है। तो मैं इसे रफ करता हूँ। ओके, चलिए, अब देखिए, ये तो हमारा क्या निकलाया, ये आपका रेड बॉल एंड ग्रीन बॉल के लिए निकला है, लेकिन अभी हमें बैक के लिए निकालना है, टोटल बॉल के लिए निकालना है। अब यहाँ पे टोटल बॉल के जब आप निकालोगे तो आपकी टोटल 9 बॉलें हैं, ठीक है, टोटल आपकी कितनी है, 9 बॉल्स। टोटल बॉल्स के लिए निकालते हैं अब यहाँ पे, टोटल बॉल्स का अब हम यहाँ पे कॉम्बिनेशन बनाएंगे। तो टोटल बॉल्स आपकी कितनी है, टोटल बॉल्स जो है आपकी स्टूडेंट यहाँ पर है आपकी 9, इसे आप थर्ड इक्वेशन नाम दे दीजिए। ओके, थर्ड इक्वेशन आपकी 9 बॉल हैं। अब 9 में से आपकी कितनी बॉलें सेलेक्ट की जा रही हैं बेटा, 4 बॉल, क्यों, क्योंकि 2 आपकी रेड के लिए थी और 2 आपकी ग्रीन के लिए थी, ठीक है, तो वो भी रैंडमली थी, तो इसका तो आसानी से आप निकाल लोगे। 9 × 8 × 7 × 6 ओके, एंड 4 × 3 × 2 × 1, ठीक है जी। तो 4 से ये गया आपका 2 टाइम, 3 से आपका ये गया कितने टाइम, 3 टाइम, ओके, और 2 से ये गया आपका 3 टाइम। तो आप इसे अब आगे सॉल्व कर सकते हो, 3 × 2 × 7 × 3, ठीक है, तो आपका क्या आएगा ये सॉल्व करने पर, 3 × 2 आपका हो गया यहाँ पे, ओके, 6 यानी कि 7 = 21, ओके, एंड 6 एंड 126, ठीक है, आपका 126 यहाँ पे टोटल वेज होंगे, आपके टोटल वेज होंगे, ठीक। अब देखिए, यहाँ पर जो समझने वाली बात है, अब यहाँ पे आपको कन्फ्यूज़न होगी कि यहाँ पे सैम्पल पॉइंट कौन सा है, और सैम्पल स्पेस में आपके सैम्पल पॉइंट कौन से हैं, ठीक है, और यहाँ पे दिक्कत आएगी सेकंड कि यहाँ पर जो इवेंट है वो क्या है। तो देखिए, इवेंट यहाँ पर क्या है आपको मैं बताऊँ, यहाँ पे 2 इवेंट्स हैं आपके, एक आपका रेड वॉल्स के लिए इवेंट्स ए हो गया, ठीक है, मैं ए नाम देता हूँ, और रेड आर से दे देता हूँ, ठीक है, जिससे ये हो जाए आपका, और ये आपका ग्रीन इवेंट हो गया एक, ठीक है। अब इन इवेंटों में क्या हो रहा है, 2-2 बॉल आपकी रैंडमली की जा रही है स्टूडेंट, ड्रॉ की जा रही है, ठीक है, तो उसके हमने साइज निकाले, तो उनका मल्टीप्लाई कर लिया टोटल। अब इस आर को आर एंड जी जो आपका है, तो मैं इसको टोटल नाम दे देता हूँ एम से, ठीक है, एम इवेंट नाम दे देता हूँ इन दोनों को मिला करके, ठीक है, तो एम के बराबर है ये, तो आपका एम एक इवेंट हो गया, एम आपका एक इवेंट हो गया, जिसके अंदर आपके टोटल कितने आपके एलिमेंट हैं, 60, यानी कि कॉम्बिनेशन कितने, 60, ठीक है, तो 60, तो मैं इसे इस तरीके से नाम दे देता हूँ एन, यानी कि टोटल, ठीक। अब देखिए, टोटल बॉल्स, ठीक है, ये यानी कि आपका सैम्पल स्पेस हो गया, ठीक है, सैम्पल स्पेस, तो सैम्पल स्पेस में आपके कितने हैं टोटल, जो सैम्पल पॉइंट है वो कितने, 126, तो इसको मैं डिनोट करता हूँ एन एस से, ठीक है, तो आपके 126, तो आपके पास यहाँ पे फाइंड आउट हो गया
फेवरेबल एलिमेंट, फेवरेबल एलिमेंट आपका फाइंड आउट हो गया, और यहाँ पे आपके सैंपल पॉइंट भी फाइंड आउट हो गए। तो अब आपको सिंपली यहाँ पे क्या करना है, या आप इसे सैंपल स्पेस बोल लीजिए, ठीक है, लेकिन हम 126 है तो सैंपल पॉइंट ही बोलेंगे। अब यहाँ पे आपको बस लास्ट में क्या करना है, आपको यहाँ पे प्रोबेबिलिटी को फाइंड आउट करना है। तो देखिए सिंपल सा है, प्रोबेबिलिटी जब आप फाइंड आउट करोगे, प्रोबेबिलिटी का आपका जो फॉर्मूला होता है स्टूडेंट, वो क्या हो जाएगा आपका, मैं यहाँ पे नाम दे देता हूँ इसका PM, ओके, इक्वल में आपका M अपॉन NS, ओके। अब क्या आपको बस ड्राइव करके यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे इसकी वैल्यू को पुट अप कर देना है, 60 डिवाइड बाय 126, यानी कि 6 से इसे डिवाइड किया तो 21, एंड इसे 10, और इसे आपका 10 अपॉन 21 आपकी यहाँ पे प्रोबेबिलिटी को फाइंड आउट कर लिया, ठीक है, ये आपकी प्रोबेबिलिटी है, ओके, दिस इज योर आंसर इज सेटिस्फाइड, ओके। तो आपका यहाँ पे क्वेश्चन का आंसर निकल चुका है। आई मेक श्योर आपको इस क्वेश्चन के का सारा कंसेप्ट समझ में आया होगा कि मैंने किस तरीके से निकाला है, आपको यहाँ पे कॉम्बिनेशन मैंने क्यों बनाया, ये भी बात आपकी समझ में आई होगी। तो चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, आप अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए। तो स्टूडेंट ये वाला क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, पिछले वाले भी इंपॉर्टेंट थे और ये भी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए इस वाले क्वेश्चन को आप सॉल्व करते हैं। टू डाइस आर थ्रोन एट अ टाइम, दो डाइस हैं जो कि एक समय पर फेंकी जा रही हैं, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग। अब हमें यहाँ पे प्रोबेबिलिटी को फाइंड आउट करना है दो कंडीशन में, दीज नंबर शोन आर इक्वल, ठीक है, एंड द डिफरेंस ऑफ द नंबर शोन इज इक्वल। अब देखिए इनका मतलब क्या है, पहले आपको हम फर्स्ट वाला सॉल्व करके बताते हैं। चलिए फर्स्ट वाले के लिए आप सॉल्यूशन निकालते हैं सबसे पहले। अब देखिए यहाँ पे बोला जा रहा है दीज नंबर आर शोन आर इक्वल, लेकिन सबसे पहले हम यहाँ पे क्या फाइंड आउट करेंगे स्टूडेंट, सैंपल पॉइंट को। जब हम यहाँ पे सैंपल पॉइंट को फाइंड आउट करेंगे तो उससे पहले हमें यहाँ पर निकालना पड़ेगा सैंपल स्पेस टू डाइस का। तो टू डाइस का जब हम यहाँ पे सैंपल स्पेस निकालेंगे, सैंपल स्पेस, ओके, तो सैंपल स्पेस में आपका स्टूडेंट क्या निकलेगा, आपका फर्स्ट डाइस थी तो 1, 2, 3, 4, 5 and 6 एंड मल्टीप्लाई, सेकेंड डाइस 1, 2, 3, 4, 5 and 6। इसका जब आप कार्टेशियन प्रोडक्ट करोगे तो इसका 36 निकलेगा, 6 × 6 = 36, ठीक है। हम इस तो आपका यहाँ पे जो है स्टूडेंट सैंपल पॉइंट निकल आया, सैंपल पॉइंट, ओके। तो सैंपल पॉइंट्स आपके कितने निकले स्टूडेंट, 36, ओके। जब आपके 36 सैंपल पॉइंट तो आपके निकला है, तो ये है आपका फर्स्ट काम। अब सेकंड काम आपका क्या है कि इस सैंपल पॉइंट में से आपको यहाँ पे फाइंड आउट करना है दीज नंबर्स शोन आर इक्वल, मतलब कि हमें कुछ ऐसे नंबर चाहिए जो कि आपके दोनों डाइस फेंकी जाएँ तो वो दोनों इक्वल आएँ। जैसे कि मान के चलिए आपकी फर्स्ट टाइम एक कोई डाइस फेंकी जा रही है, दो डाइस है एक साथ में फेंकी जा रही है, तो मैंने दो कॉमन्स बना लिए, हो सकता है कि उसमें से आपका 6 इसमें भी आ जाए, 6 इसमें भी आ जाए, ठीक है, और हो सकता है आपका 2 इसमें आ जाए तो आपका 2 इसमें भी आना चाहिए, अगर 1 इसमें आ रहा है तो 1 इसमें भी आना चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके की ये डाइस है हमारी, ठीक, तो डाइस फेंक जा रही है 6 का, यानी कि किस तरीके से बनेगा कॉलन, 1, 2, 3, 1, 2, 3, एंड 2 का किस तरीके से बनेगा आपका 2, 2। डायग्राम थोड़ा ठीक नहीं है, बना लेना, ठीक है, और इसका 1 इस तरीके से, मतलब दोनों में ही आनी चाहिए, ठीक है। तो चलिए अब इसी चीज़ को हम सॉल्व करते हैं, आई थिंक आपको ये बात समझ में आ रही होगी। तो फर्स्ट के लिए, तो फर्स्ट हमारा इवेंट E1 से मैं इसे नाम देता हूँ। फर्स्ट इवेंट जो है वहाँ पर हमारा जो सेट बनेगा स्टूडेंट वो कैसा बनना चाहिए हमारा, अगर इसी के अकॉर्डिंग देखा जाए तो देखिए 1, 1 इक्वल है एक दूसरे के, बिल्कुल इक्वल है, 2, 2 इक्वल हैं एक दूसरे के, बिल्कुल इक्वल हैं, एंड 3, 3 इक्वल हैं एक दूसरे के, बिल्कुल इक्वल हैं, एंड 4, 4 इक्वल हैं एक दूसरे के, बिल्कुल इक्वल हैं, एंड 5, 5 इक्वल हैं, जी हाँ बिल्कुल इक्वल हैं, एंड 6, 6 बिल्कुल इक्वल। अब 7, 7 मत कर देना क्योंकि आपका सैंपल पॉइंट में वो चीज़ इंक्लूड नहीं होती है, ठीक है, क्योंकि आपको पता है। अब देखिए हमारे पास टोटल एलिमेंट कितने निकले, 1, 2, 3, 4, 5, 6, यानी कि 6 आपके फेवरेबल एलिमेंट निकले, यानी कि E1 में जो आपका टोटल एलिमेंट निकलेंगे वो कितने निकलेंगे, 6, ओके। तो ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन होगी गाइस, ठीक।
अब जब आपके इतना निकला है तो अब आपको यहाँ पे करनी है इस इवेंट की अलग से प्रोबेबिलिटी को फाइंड आउट। तो प्रोबेबिलिटी आपकी कितनी हो जाएगी स्टूडेंट? तो प्रोबेबिलिटी के लिए हमें क्या पढ़ना पड़ेगा? सबसे पहले पी इवन इक्वल टू एन इवन अपॉन एन एस। आपका एन एस कितना है? ये है स्टूडेंट, ठीक है, एन एस यानी कि 36। तो आप इसे सॉल्व कर लीजिए, आपका ये कितना निकला? 6/36 इक्वल में आप जब दोगे तो 1/6 इसका आंसर आएगा, ठीक है, 1/6 आपका आंसर आ गया, यानी कि ये आपकी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट होगी फर्स्ट क्वेश्चन के लिए, ठीक। अब सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे? दिस डिफरेंस ऑफ द नंबर शोन इज 1। अब देखिए इसका मतलब क्या है, मैं इससे रफ करता हूँ थोड़ा, ओके ये पूरा ही रफ करना पड़ेगा, ठीक। अब देखिए इस वाली कंडीशन हमसे ये बोली जा रही है कि आपके अगर फर्स्ट डाइस में 6 आता है, सपोज मान लीजिए आपका 6 आता है, तो यहाँ पर आपका 5 आना चाहिए, ठीक है। तो 5 और 6 के बीच में जो डिफरेंस होगा वो बेटा कितने का है? 1 का। तो हमसे यही तो बोल रहा है वो, डिफरेंस ऑफ द नंबर्स, नंबर्स के बीच में डिफरेंस दिखना है जो कि आपका इज इक्वल टू कितना होगा? 1 इज 1 होना चाहिए, ठीक है। ऐसे आपका 2 आ रहा है तो यहाँ पे आनी चाहिए, यानी कि 1 आना चाहिए, तो आपका डिफरेंस कितना है यहाँ पे 1 का। ऐसी 1 है तो यहाँ पे आपका 2 आना चाहिए, तो आपका डिफरेंस कितना है यहाँ पे 1 का। इसी प्रकार एंड शो ऑन, ठीक है। तो इसी प्रकार का यहाँ पे हमारे पास एक सेट कैसा बनेगा, यानी कि एक इवेंट कैसा अकर होगा, तो चलिए उसको बनाते हैं। अब सेकंड के लिए हम बनाते हैं, यहाँ पे मैं इसे ब्लैक से सॉल्व आउट करूँगा जिससे कि आपको कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। तो देखिए अब यहाँ पे E2 नाम देता हूँ इसे मैं इस इवेंट को, ठीक। अब देखिए ओके, तो यहाँ पे बनेगा आपका 1, 2 ओके एंड 2, 1 एंड 3, 1 एंड 1, 3 एंड 4, 1 सॉरी 4, 5 एंड 5, 4 एंड 6, 5 एंड 5, 6। क्या कोई और भी बनेगा? चलो देख लेते हैं पहले 1, 2, 2, 1 3, 1, 3, 2 एंड 4, 5। जी हाँ, यहाँ पे एक और बनेगा आपका 2, 3 का, ठीक है। देखिए यहाँ पे 2 का डिफरेंस हो रहा है जी, तो यहाँ पे 1 नहीं आएगा, यहाँ पे 2 आएगा और यहाँ पे भी आपका 2 आएगा, यानी कि 3, 2 कर देते हैं ऐसे। कितना? 3, 2 सॉरी 3, 2 तो है ही आपका जस्ट अपोजिट इसका 2, 3 ओके। अब देखते हैं 1, 2, 2, 1 चलो एक एक का डिफरेंस है 3, 2 में एंड 2, 3 में भी 1 का डिफरेंस है एंड 4, 5 एंड 5, 4 में भी 1 का डिफरेंस है एंड 6, 5, 5, 6 में भी 1 का डिफरेंस है। तो आपके यहाँ पे टोटल एलिमेंट कितने हुए बेटा? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 आपके यहाँ पे टोटल, 1 सेकंड मैं देख लेता हूँ जरा एक बार, ओके गुड। नहीं जी, यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ है, एक सेकंड। 1, 2, 5, 4, 6, 5, 5, 4 हो गया, 6, 5 हो गया, 3, 4 हमने यहाँ पे 3, 4 नहीं किया है ना, तो यहाँ पे एक आपका 2 सेट और बढ़ जाएंगे। जी हाँ, यहाँ पे 3, 4 ओके एंड 4, 3 ओके, अब ये करेक्ट है आपका, ठीक है जी। तो यानी कि आपके यहाँ पे एलिमेंट इस तरीके के, इसके अंदर एलिमेंट आएंगे, तो आपके जो टोटल एलिमेंट कितने आ रहे हैं? टोटल जो यहाँ पे एलिमेंट आएंगे Ne2 इक्वल टू आपका 10। अब आपको सिंपली क्या करना है? प्रोबेबिलिटी को फाइंड आउट कर लेना है, प्रोबेबिलिटी। तो आपकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? आपका ए इवन इक्वल टू आपका यहाँ पे E2 आएगा यहाँ पे, ठीक है, E2 और आपका यहाँ पे आएगा Ne2 अपॉन में Ns, आपका वही सैम्पल पॉइंट, आपका कितना निकला? 10/36 यानी कि ये आपका 2 से, जब इसे आप 2 से डिवाइड करोगे तो इसका आ जाएगा 5/18 ओके, आपका आंसर यहाँ पे करेक्ट है। तो हमने दोनों क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व आउट कर लिए हैं, तो आई थिंक आपको ये दोनों क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए होंगे और इसके भी दोनों पार्ट्स आपके समझ में आ गए होंगे कि हमने किस तरीके से इनको सॉल्व किया। तो आगे भी आप इसी तरह के कुछ क्वेश्चंस को और अपने इंक्लूड कर सकते हो, अपनी बुक से सॉल्व आउट कर सकते हो। तो अगले लेक्चर में हम कुछ थ्योरम की बात करेंगे, कुछ एडिशनल प्रॉब्लम के ऊपर बात करेंगे। तो आज के लेक्चर में सुबह इतना ही। अगर आपको यह लेक्चर पसंद आया तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लाइक व शेयर करें।
ठीक है। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैप्पी लर्निंग।